सभी भाइयों को नमस्कार। ड्रीम शो टिप चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, टीम प्रोवाइड करेंगे, क्रिकेट का जो शानदार मुकाबला खेले जाने वाला है बांग्लादेश वर्सेस इंडिया के बीच में जो वार्म अप मैच खेले जाने वाला है उसी के बारे में बात करेंगे, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी सेट करेंगे, पूरे प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे किस प्लेयर की परफॉर्मेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे को यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट दिलाने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बात बता दूं कि ये सारे के सारे वार्म अप मैचेस हो रहे हैं और वार्म अप मैचेस के बारे में मैंने पहले भी अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाला था कि ये जो मैच है इसके अंदर कोई प्लेइंग 11 नहीं रहती है, सारे के सारे जो प्लेयर्स पूरे स्क्वाड में होते हैं उनमें से किसी को भी यहाँ पर बैटिंग के लिए और बॉलिंग के लिए यहाँ चांस मिल जाती है। ये जो परफॉर्मेंस देखने के लिए यहाँ पर ये मैचेस खिलवाए जा रहे हैं दोनों टीमों की, तो किसी भी तरीके का जो चेंजेस है वो लास्ट मोमेंट पे भी हो सकता है। लास्ट वाला जो मैच था उसके अंदर हमने श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा लेट अपडेट डाला था कि श्रीलंका के अंदर जो मलिंगा है मलिंगा को यहाँ पर बॉलिंग चांसेस नहीं मिलेगी, तो लास्ट मोमेंट के अंदर ही वो चेंजेस मैंने वहाँ पे डाले थे, तो कई फ्रेंड्स ने उसको चेंज कर पाए और कई फ्रेंड्स ने उसको चेंज नहीं कर पाया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बात बता दूं कि ये वार्म अप मैच है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक एक मिनट बचे तो लास्ट में एक मिनट के अंदर भी कोई भी चेंजेस हो सकता है और एक मिनट का मतलब ये है कि मैं आपके पास में मैसेज यहाँ पर टेलीग्राम पर डालूँ तो हो सकता है कि उसी टाइम पीरियड के अंदर ही आपके यहाँ पर टाइम डेडलाइन क्लियर ख़त्म हो जाए। तो ये बात मान के चलिएगा कि यदि आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं तो ये वार्म अप मैचेस के लिए, अदरवाइज़ इस चीज़ में आप मुझे ब्लेम मत दीजिएगा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन पहले देनी चाहिए थी, लास्ट मोमेंट पर ही आती और एक मिनट पहले भी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, डायरेक्ट ऑफिशियल नेटवर्क से भी एक मिनट पहले ही ये इन्फॉर्मेशन आती है, तो किसी भी तरीके की कोई क्लियरिटी नहीं रहती है, केवल वार्म अप मैचेस के बारे में ही है। तो फ्रेंड्स फटाफट से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाए और हमारे ड्रीम शॉट टिप्स नाम से जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है जिसके ऊपर हम लास्ट मोमेंट पे होने वाले चेंजेस की जानकारी हम यहाँ देते हैं उसको फटाफट से आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि फुटबॉल की, क्रिकेट की, बास्केटबॉल की, हॉकी, इनकी सबकी टीम भी हम यहाँ प्रोवाइड कराते रहते हैं, आपको यहाँ पर इजीली मिल सके। और फ्रेंड्स जो कल मैंने यहाँ पर शानदार मैच जो हुआ था उसकी यहाँ पे टीम प्रोवाइड कराई थी अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की, उसके स्क्रीनशॉट्स भी मैंने आपके यहाँ शेयर कर दिए और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहे। तो आइए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स फटाफट से इस मैच के बारे में, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो मैच खेले जाने वाला है इसी के बारे में। देखिए पिच की कंडीशन की बात करूँ, जो पिच है ये वैसे तो न्यूट्रल है लेकिन जनरली जो है वो ये बैटिंग सपोर्टिव पिच है और ग्राउंड जो है हमारा वही है सोफिया गार्डन्स कार्डिफ का ही है। पूरा का पूरा स्क्वाड यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है इंडिया का और यहाँ पर बांग्लादेश का, तो आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं और लगभग सारे प्लेयर्स के यहाँ पर खेलने की चांसेस है। मैं इसके अंदर आपको कहूँगा टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो टॉप ऑर्डर के जितने भी बैट्समैन हैं उनको आपको यहाँ पर लेना है, कहीं किसी को भी नहीं छोड़ना है। और जहाँ तक की बात करें तो इंडिया की विनिंग मानते हुए हमारे को यहाँ पर टीम बनानी है। बांग्लादेश की जो बॉलिंग की परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा कोई खास नहीं है, तो बॉलिंग सेक्शन के अंदर आप एक आध कोई बॉलर उनका यहाँ पर ले सकते हो, बाकी के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को इंडियन बॉलर्स को यहाँ पे चांस देनी है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की टीम की बात करें तो लास्ट वाला जो मैच है वो पुअर परफॉर्मेंस के कारण, बैटिंग के पुअर परफॉर्मेंस के कारण ये हार गए थे, लेकिन इस वाले मैच के अंदर कुछ एक प्लेयर्स की जो चांसेस है वो नहीं खेलने की वो मैं आपको यहाँ बता, केदार जाधव है वो ये वाला मैच नहीं खेलेंगे और विजय शंकर की भी चांसेस थोड़ी थोड़ी ना बनी हुई, यदि वो बिल्कुल फिट हो गए तो ये वाला मैच हमारे को वो खेलते हुए नजर आएंगे और हाई चांसेस यहाँ पर बनी हुई है जसप्रीत बुमराह की इस वाले मैच को खेलने के लिए। रोहित शर्मा, शिखर धवन यहाँ पर हमारे को ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, शानदार परफॉर्मिंग बैट्समैन है। रोहित शर्मा की बात करें तो इतनी ज़्यादा फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, IPL के अंदर भी इतनी ज़्यादा फॉर्म में नहीं चल रहे थे, लेकिन कभी भी अच्छी खासी फॉर्म में आ सकते हैं, कंसिस्टेंट प्लेयर है शिखर धवन के बारे में मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, शानदार परफॉर्मिंग बैट्समैन है, हिटर है। उसके बाद में थर्ड नंबर के ऊपर विराट कोहली यहाँ पर बैटिंग करने के लिए आएंगे और विराट कोहली के लिए मेरे को यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि परफॉर्मेंस इनकी किस तरीके की है। उसके बाद में KL राहुल और विजय शंकर दोनों में से कोई भी यहाँ बैटिंग करने के लिए आ सकता है, यदि विजय शंकर यहाँ पर टीम में आएंगे तो वो इसके बाद में बैटिंग करने के लिए आएंगे। MS धोनी का जो नंबर है वो उसके बाद में लगेगा, शानदार फिनिशर है, शानदार बैटिंग स्टाइल है इनकी। उसके बाद में दिनेश कार्तिक है, दिनेश कार्तिक के बाद में हार्दिक पांड्या, शानदार ऑलराउंडर है, बॉलिंग सेक्शन में भी अच्छा खासा यहाँ पर एफर्ट इनको मिलेगा, तो अच्छे खासे पॉइंट हमारे को यहाँ पर इनसे मिलने की उम्मीद है। या स्मॉल लीग की यदि आप टीम बनाए तो स्मॉल लीग की टीम के अंदर मैं आपको बेस्ट ऑप्शन दूंगा कि इन्हीं के अंदर से रिवर्स कर आप अपने बैट्समैन को और अलग अलग प्लेयर्स को, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पर चांसेस दे सकते हैं। शिखर धवन है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, हार्दिक पांडे है, ऑलराउंडर है, शानदार परफॉर्मेंस है, भुवनेश्वर कुमार है, विकेट टेकर बॉलर है, कुलदीप यादव है, युजवेंद्र चहल है, इनको तो आपको लेना है। जिस भी टीम में अलग अलग बनाए भाई दबे यदि पॉइंट्स क्रेडिट का इशू रहता है तो अलग अलग टीम के अंदर इन सारे प्लेयर्स को आप यहाँ पे मौका दे सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं बांग्लादेश की टीम के बारे में। रुबेल ओसन है वो फिट हैं बिल्कुल और इस वाले मैच के अंदर बॉलिंग करने का उनको चांस यहाँ पे मिल सकता है।
इनके दोनों ही शानदार बैट्समैन तमीम इकबाल और सौम्य सरकार ये हमारे को यहाँ पर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। और तमीम इकबाल की बात करूँ, शानदार परफॉर्मिंग बैट्समैन है, अपनी टीम के बेस्ट बैट्समैन में शामिल है ये। और यहाँ पर इनकी यदि बैटिंग लेवल अच्छा चल गया तो यहाँ पर अच्छा खासा पॉइंट हमारे को इनसे यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और बात करें तो फर्स्ट डाउन पे यहाँ पर शकीब अल हसन यहाँ पर हमारे को बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। शानदार परफॉर्मिंग बैट्समैन है, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। और कैप्टन के रूप के अंदर इस वाली टीम के अंदर मेरी जो फर्स्ट चॉइस रहेगी वो यही रहने वाले हैं। तो एक बार प्लेयर के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, बोलने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए जो मैं पूल है वो पूल भी आपके वहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम के ऊपर हमारे जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें उससे। और आइए एक बार देख लेते हैं नज़र कि आज के हमारे इस टीम के अंदर हमने किन किन प्लेयर्स को प्लेइंग 11 वाली लिस्ट में हमारे शामिल किया है। तो प्लेयर्स जो हैं हमारे वो विकेट कीपर सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर मैं एम रहीम के साथ में जाना पसंद करूंगा। आप चाहें तो ग्रैंड लीग के अंदर MS धोनी के साथ में भी जा सकते हैं, लेकिन MS धोनी के साथ में मैं स्मॉल लीग में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि बाय द वे यदि दिनेश कार्तिक बिल्कुल फिट हो जाते हैं तो यहाँ पर MS धोनी से ज़्यादा चांसेस दिनेश कार्तिक को यहाँ पर मिलेगी बैटिंग करने की। और इनको बाद में नंबर आएगा तो हो सकता है कि इतनी ज़्यादा चांसेस बैटिंग की इनको चांसेस नहीं मिले। तो यहाँ पे मैं एक ही अपने ऑलराउंडर के साथ में जाना पसंद करूंगा। बैटिंग सेक्शन के अंदर मैंने टॉप ऑर्डर के विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, शिखर धवन को, इन तीनों को लिया है। और मैंने यहाँ पर पॉइंट इशू मेरे को आगे बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सौम्य सरकार को यहाँ पर लिया हुआ है। ऑलराउंडर की बात करूँ तो मैंने यहाँ ऑलराउंडर के अंदर तीन ऑलराउंडर लिए हैं, शकीब अल हसन को लिया है, हार्दिक पांडे को लिया है, और थर्ड नंबर पर मैंने M सफुद्दीन को लिया है। बॉलिंग सेक्शन के अंदर मैंने ज्यादा यहाँ पर बॉलर्स को चांसेस नहीं दिए, मैंने बॉलर के अंदर भुवनेश्वर कुमार को लिया है, मोहम्मद शामी को लिया है, थर्ड नंबर पे M रहमान को लिया है। यदि पॉइंट इशू को आप एडजस्ट कर सकते हैं या दूसरी किसी टीम में आप जाते हैं तो दूसरी टीम के अंदर यहाँ युजवेंद्र चहल को भी आप अच्छा खासा मौका दे सकते हैं, अच्छे खासे पॉइंट इनसे भी हमारे को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, कैप्टन के अंदर मैंने शकीब अल हसन मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी, और विकेट की यहाँ पर वाइस कैप्टन के अंदर मैं विराट कोहली के साथ में जाना पसंद करूँगा। उसका कारण ये है कि विराट कोहली का यदि यहाँ पर कैप्टन के अंदर मैंने इसलिए यहाँ पर इनको नहीं बनाया क्योंकि यदि कैप्टन इन्होंने अच्छे खासे रन यदि बनाए, 50-60 रन के आसपास बना लिए, तो ये यहाँ पर दूसरे प्लेयर्स को मौका देने के लिए रिटायर हो सकते हैं, जिस तरीके से इन्होंने पिछले वाले मैच के इंटरव्यू के अंदर अपने स्टेटमेंट दिए थे, तो उस हिसाब से यहाँ पर ये रिटायर हो सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, मैं शिखर धवन के साथ में जाना पसंद करूंगा, और हार्दिक पांडे भी यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर हमारे को यहाँ पे दे सकते हैं, तो इनमें से रिवर्स करके आप किसी को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की हमारी टीम, इस टीम के थ्रू जाकर आप अपनी विनिंग करके आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।